ठंड यार, सच में ठंड नहीं हो पा रहा है। Hey, what's up guys? मेरा नाम है शुभम, स्वागत है इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन को दूसरे एंड्रॉइड फोन के स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। जी हाँ, शुरू करते फटाफट से वीडियो को, चेक करते हैं कैसे करेंगे ये चीज़। और ये आप किसी में भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड 10 में, एंड्रॉयड 9 में, एंड्रॉयड 8 में, 7 उससे पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है। शुरू करते फटाफट से वीडियो को, चेक करते हैं कैसे करते हैं ये ट्रिक, और कैसे आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को इजीली शेयर कर सकते हैं दूसरे फ़ोन में। बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है कई बार कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को फ़ोन में कोई फंक्शन नहीं समझ आ रहा है और अगर वो चाहता है कि मतलब कोई दूसरा उसको फिक्स करे, या कोई दूसरा उसको फिक्स करना चाहता है लेकिन वहाँ पे फिजिकली उस फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन उसको गाइड करना चाहता है कि मैं कि मतलब ऐसे चला ले, तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि इस एप्लीकेशन की मदद से आप दूसरे की स्क्रीन देख सकते हैं। मतलब ऑफकोर्स जिसका फ़ोन है उसके परमिशन के बिना नहीं होगा, वो स्क्रीन को आप देख के आप अगले को गाइड कर सकते हैं कि ऐसे जा, इधर जाना, आगे से लेफ्ट राइट या स्ट्रीट। थोड़ा मजाक हो गई, शुक्र तो फटाफट से वीडियो को। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये दो फोन पड़े हुए हैं। इन दोनों फोन के अंदर मुझे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसके लिए हमको जाना है प्ले स्टोर में, और ये है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है वन असिस्ट। तो आप दोनों के अंदर वन असिस्टेंट, दोनों के अंदर ये वन असिस्टेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको सर्च करने की मेहनत नहीं करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको फटाफट से खोल देना है, और ओपन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। दोनों के अंदर रेड और ब्लू कलर में दो चीज़ें लिखी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है शेयर, नीचे लिखा हुआ है असिस्ट, और शेयर के नीचे लिखा हुआ है शेयर योर फोन स्क्रीन टू अनदर यूज़र, और असिस्ट के अंदर लिखा हुआ है सी अ फोन स्क्रीन फॉर असिस्ट। तो आपको अगर अपने फ़ोन की स्क्रीन को दूसरे फ़ोन में शेयर करना है, आप अपने चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पे जो भी है वो दूसरे फ़ोन में दिखे, तो आप शेयर पे टैप करेंगे और आपको ये एक वार्निंग दिखेगी। इसके अंदर लिखा हुआ है वाइल रिकॉर्डिंग और कास्टिंग वन असिस्टेंट कैन कैप्चर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन और प्लेड फ्रॉम योर डिवाइस इंक्लूडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज ऑडियो, पासवर्ड, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, फोटोज एंड मैसेजेस। सो हम उसे क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ पे, और आपको यहाँ पे एक कोड दिखेगा 97, जैसे मेरा एक कोड दिख रहा है 97177, ये कोड है मेरा। तो आपको दूसरे वाले फ़ोन में असिस्ट पे टैप करना है, और आपको यहाँ पे कोड लिखना है ये वाला, और आपको टैप करना है कनेक्ट के अंदर, और फिर ये कनेक्शन ऑन होगा और आपका फ्रंट कैमरा भी ऑन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जिस फ़ोन की स्क्रीन आप शेयर कर रहे हैं उसके अंदर आपको ऑप्शन दिख रहा है सेंड कोड टू, तो अपने फ्रेंड को आप सेंड भी कर सकते हैं कोड व्हाट्सएप के जरिए। माइक ऑन और ऑफ भी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपका जो फ़ोन का माइक है उसकी भी ऑडियो आपको आगे शेयर करनी है नहीं, अगर आप चाहते हैं ऑडियो आगे नहीं जाए सिर्फ स्क्रीन के जो इन्फॉर्मेशन वो जाए, तो आप माइक को ऑफ भी कर सकते हैं। और दूसरे फ़ोन में जो माइक की जो आवाज़ है वो मेन स्पीकर में नहीं आती, ये ईयरपीस में इसकी आवाज़ आती है माइक्रोफोन की, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बट एनीवेज आपकी स्क्रीन अच्छे से शेयर हो जाती है। तो आपको बस ये खाली कॉल लिखने के बाद आपको कनेक्ट करना है, और फिर दूसरे वाले फ़ोन में आपको अलाउ करना है, इसको कनेक्ट कर देना है, और आप इजीली आप अपने फ़ोन की स्क्रीन दूसरे फ़ोन में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फ़ोन में एक ही स्क्रीन चल रही है, और ये वाला इफेक्ट आप देख सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट मोबाइल वाला जो कि कैमरा ऑन करके किया है मैंने, जो कि देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ऑल्सो इसका एक और सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा है कि आप देख सकते हैं एग्जांपल जिस फ़ोन के अंदर मैं देख रहा हूँ, जैसे इस फ़ोन का स्क्रीन दूसरे फ़ोन में शेयर हो रहा है, तो जिस फ़ोन के अंदर ये सिर्फ देख सकता है इसमें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको कंट्रोल करना, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे गाइड करना है कि मैं कहाँ पर एग्जैक्टली अगले को बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पर टच कर या कुछ भी कर, तो मैं इसके अंदर इस ऐप की मदद से मैं बता सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ तो अगले फ़ोन में बता रहा है कि जो आपकी स्क्रीन देख रहा है वो चाहता है कि आप वहाँ टैप करें, तो ऐसे टैप कर सकते हैं। और मैं इसमें स्वाइप भी बता सकता हूँ, स्वाइप डाउन, स्वाइप अप, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट। तो ये कि बहुत ही अच्छा फीचर लगा है मुझे गाइड करने के लिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और काफ़ी स्टेबल है, बिल्कुल अटका नहीं है और अच्छा चल रहा है। बस इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, होप आप सबको पसंद आया होगा। तो जैसे देखा सबने, इस तरह से करते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को दूसरे फ़ोन में शेयर, बहुत ही आसान है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का, और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को शेयर। थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करा देना, और बेल आइकन दबाना, और बेल आइकन जरूरी है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ सबको अगली वीडियो में। पीस आउट, लव यू।